हल्द्वानी में पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बाजपुर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी शंकर बिष्ट की पत्नी ममता बिष्ट की हत्या के मामले में किच्छा के रहने वाले अशरफ उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया। 3 नवंबर को मुखानी थाना क्षेत्र के कालिका कॉलोनी में रहने वाली पुलिसकर्मी की पत्नी ममता बिष्ट की आरोपियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए कई टीमें गठित की थीं। डीआईजी नीलेश आनंद भरड़े ने रविवार को पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अशरफ उर्फ भूरा ने शंकर बिष्ट के घर में पहले वेल्डिंग का काम ये कर चुका था, इसलिए लूट की योजना बनाकर 3 नवंबर की सुबह 11:30 पर घुसा था। इसके बाद आरोपी ने घर में लूट की घटना को अंजाम दिया। मृतका ममता बिष्ट हत्यारे को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने उसको घर में आने दिया। इस बात का फायदा उठाकर हत्यारे अशरफ उर्फ भूरा ने ममता बिष्ट की हत्या की। तो मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा जो है एक अभियुक्त पुलिस ने जो है ये जो हमारा सिपाही था शंकर बिष्ट इसकी पत्नी की जो है 3 तारीख को हत्या हो गई थी मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत। पुलिस ने आज जो है इस घटना का खुलासा किया है, जिसमें जो है मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा ये रहने वाला जो है ये सुनेरी किच्छा का है, तो इसको अरेस्ट कर पुलिस ने इसके पास से घटना में प्रयुक्त जो है आला कत्ल और जितना भी जो सोना गया हुआ था लगभग 3 लाख उसका, वो सारा बरामद कर लिया है।